जी, ये म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम की तरफ ही जा रहे हैं अभी। बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, बहुत यहाँ तबरकात भी रखे हुए हैं। ओबियसली उस ज़माने में पूरी दुनिया में इनकी हुकूमत थी, और ऑलमोस्ट जो भी आजकल एक मिडिल ईस्ट या ग्रेटर मिडिल ईस्ट जो भी टर्म यूज़ की जाती है सारे मुसलमान मुल्क, वो ऑलमोस्ट सारे के सारे जो थे वो इधर ही इन्हीं के ही अंडर थे। यूरोप भी, आधा यूरोप इनके अंडर था और बाकी का भी इनका ही कह लेते, यही फैसले करते थे कौन गवर्नमेंट करेगा कौन। तो पूरी दुनिया से नवादरात इकट्ठे किए, जो नवादरात इकट्ठे किए वो अपने किसी म्यूज़ियम इधर टॉपकपी पैलेस में ही होते थे, जो आज भी इधर ही है। ये म्यूज़ियम है, ये इधर लाइन आप देख सकते हैं कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अब हम इस लाइन में खड़े होंगे, खड़े होकर इस पूरे म्यूज़ियम में जाएंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे अंदर जाके मैं फिर आपको बताऊँगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सारी क्यू है। पहले म्यूज़ियम में जाऊंगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या करना है। थैंक यू। ये म्यूज़ियम जो है टॉपकपी म्यूज़ियम, जब आप पैलेस में घुसते हैं ना तो आपको टॉपकपी म्यूज़ियम में आना पड़ता है, ये आना चाहिए। यहाँ पैलेस ऐसे भी आप घूम सकते हैं, वो पूरा पैलेस ही है सारा, उस तरफ को उन गेट्स के अंदर चले जाएँ तो पूरा पैलेस है। तो ये सारी क्यू है, ये सारी क्यू टॉपकपी म्यूज़ियम में जाने वाले लोगों की, ये आप खुद देख सकते हैं कितना रश है। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप सुबह सुबह आ जाएँ और लाइन में क्यू लग जाए। मेरे ख्याल में 2200 या 420 लीरास की एक वो है, काफ़ी लंबी क्यू है, बहुत ही लंबी क्यू है। पीछे म्यूज़ियम इन्होंने बनाया हुआ है, साथ में म्यूज़ियम की शॉप भी है। काफ़ी रश है लेकिन फिर भी ठीक है, काफ़ी हद तक जी। ये इनसाइड टॉपकपी म्यूज़ियम के अंदर आए ना, पैलेस के अंदर आए तो डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स वहाँ बनी हुई हैं, उनमें से ये एक बिल्डिंग है। ये यहाँ जो जो भी डिसीजन होते थे उस ज़माने के वो इधर होते थे बैठ के। ये देखें आप, ये यंग सोफों पे बैठे होते थे, यहाँ इस तरह की इन्वायरमेंट होती थी और यहाँ बैठ के उसके नोट्स लिखे जाते थे इस जगह पे। यह देखें, ये गद्दियाँ, यहाँ ये सोफ़े थे जो ओटोमन स्टाइल के सोफ़े नहीं होते, और ये ऊपर बहुत ज़बरदस्त नोट्स वगैरह काम, कुदरती रोशनी के लिए ऊपर उन्होंने रोशनदान बनाए हैं छोटे छोटे से चारों तरफ से। यहाँ बैठ के वो नोट्स वगैरह लिखते थे और जो भी डिसीजन होते थे वो वहाँ यहाँ होते थे। आप ये कह लें कि ये इनका आर्काइव का सेंटर था, डिपार्टमेंट था ओटोमन्स का। ये म्यूज़ियम है, उनके एंटिक्स वगैरह रखे हैं यहाँ, इनमें क्लॉक्स वगैरह हैं जो मुख्तलिफ टाइम पे बनाए गए हैं। ये यहाँ लगा अमले सैयद हुसैन खाकी बिन सैदैन अहमद अफलाकी, उस बंदे ने अपना वो भी डाला हुआ नाम लिखा हुआ। ये वॉल क्लॉक है, डे देखे तो उसकी 1770 मतलब 200-250 साल पुराने। ये भी दे रहे हैं इसी तरह, इनके मैप्स हो गए हैं ओटोमन्स के टाइम पे मैप्स होते थे जो उनके। ये वॉल क्लॉक है,
जो 1650 में बना हुआ था। 1650 का वॉल क्लॉक आप देख लें, ये आपको टाइम बताता था कि क्या टाइम हुआ है। कॉन्सेप्ट देखें, बिल्कुल 12, 1, 2, 3, 4, 5 है 1650 का टाइम। ये भी एक और वॉल क्लॉक है, इसको आसमा तबक दुवार सती प्लेट वॉल क्लॉक है। ये भी 1650 डेटेड बैक टू 1650 है। ये भी एक मेन वॉल क्लॉक है, काफ़ी पुराना है। अब ये 1800 के आ गए, 18th सेंचुरी, ये वॉल क्लॉक्स। ये ब्रैकेट क्लॉक है 1800 का, काफ़ी बड़ा है। अच्छा, इसके पीछे देखे तो दुनिया का भी मैप बना हुआ, जरा गौर से देखें तो नजर आया। सेवनटीन फिफ्टी का लॉन्ग क्लॉक है, देख लें 1750 की टाइम बता रहा आपको। ये वॉल क्लॉक, ये जो पूरा ऊपर ये जो बिल्डिंग है, ये बेसिकली एक रूम है, वहाँ इन्होंने टोपकापी पैलेस के अंदर एक रूम के अंदर इन्होंने ये अपने वॉल क्लॉक रखे। ये 1770 के जो वॉल क्लॉक, एटीन सेंचुरी के वॉल क्लॉक। ये सारे क्लॉक्स ये टेबल क्लॉक, टेबल के ऊपर आप रखते हैं।